एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलर एक्सेस यानी जो करिकुलम है और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो सारे लर्नर्स को लिए एक्सेसिबल हो अवेलेबल हो अफोर्डेबल हो एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ स्कूल्स में कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों से कहा जाता है कि कुछ स्टेशनरी किट खरीदने के लिए अब ये स्टेशनरी किट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं तो जो भी इस एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो क्या सब लोग ऐसे स्टेशनरी किट को अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि अगर कुछ बच्चों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं है तो शायद वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो उस एक्टिविटी को कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से जो भी करिकुलम है जो भी एक्टिविटीज़ क्लास में करवाए जा रहे हैं जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो सारे लर्नर्स के लिए एक्सेसबल हो अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटीज बैकग्राउंड्स एंड अदर डिफरेंसेस